हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल। आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल, जहां पे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आपको मिलती है। कल मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज रखी थी, आप लोगों का काफी अच्छा मुझे रिप्लाई आ रहा था कल। बहुत अच्छा लगा मुझे, कितनों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर आपको वो स्टोरीज देखनी है तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये आईडी है यहाँ पे। और यहाँ पे आज की वीडियो के बारे में बात करेंगे। फाइनल ईयर एलिजिबल है, पूरी बातें करते हैं। ONGC की तरफ से रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे आज की जो कमेंट मैंने पिक किए, मतलब कल की वीडियो से, वहां पे मतलब यूजर आईडी है Jerry2204, उन्होंने कहा है आपने जो सैलरी के बारे में बताया वो PSU ONGC में भी वैसा ही होता है, उसकी सैलरी हाई है तो क्या वो भी अलाउंस के साथ गिनी जाती है, प्लीज रिप्लाई। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ PSU का किस तरह का होता है, PSU में क्या होता है कि डिपेंड्स, अलग अलग PSU होती है, महारत्न है, मिनी रत्न है। जो पैकेज होता है, इन हैंड सैलरी जो होती है वो उनकी होती है करीबन 60-70,000 जो होती है वही मिलती है, लेकिन अलाउंस जो होते हैं उसके एक्स्ट्रा होते हैं। इसीलिए PSU का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अलाउंस इस तरह से होते हैं कि आपको पूरे साल का 15,000 दे देते हैं, लाइक मोबाइल का दे देते हैं, फिर हर 3 साल पर लैपटॉप का देते हैं, इस तरह से अलाउंस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी पूरा ऐसा हो तो डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ जाओ IDBI जो कल की वीडियो थी ऐसा नहीं होता है, लेकिन जहां पे होता है वहां पे वो लोग मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर आप भी कमेंट करना चाहते हो तो जरूर से कमेंट करो और बताओ। मैं हर बार एक रेंडम कमेंट लेता हूं, अगर आज की वीडियो जो है उसके नीचे से कमेंट लेके कल की वीडियो में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो यहाँ पे लाइक जरूर कर देना वीडियो को, उम्मीद करता हूं मैं, और टारगेट रख रहा हूं 1500 लाइक्स आप कंप्लीट कर दोगे, मुझे पता है। और इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आपने टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, कुछ करना नहीं है, टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, फिर वहां पे टॉक विद अब्दुल सर्च भी कर लोगे या ये लिंक जो आ रही है उस पर क्लिक कर दोगे तो भी आप डायरेक्टली ग्रुप आपको चैनल जो मिल जाएगा ज्वाइन कर लो। 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, लिंक एक्सपायर नहीं है, 2,00,000 मेंबर्स की कैपेसिटी है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। नव यहाँ पे ONGC की तरफ से रिक्रूटमेंट है, और यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगा ताकि आपका यहाँ पे टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ पे पहले ही बता दूं कि गेट 2019 अगर आपने दिया हुआ है तभी आप एलिजिबल हो, वरना एलिजिबल नहीं हो तो यहाँ पे वीडियो छोड़ देना, बिकॉज मुझे यहाँ पे सबसे पहले बताने में अच्छा लगता है ताकि आपको पूरी वीडियो दिखा के क्या मतलब है। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है वीडियो काम की है तो पूरा देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अब ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे फाइनल ईयर एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे अगर आप ट्राई भी करते हो फॉर्म भरने की, लेकिन सबसे पहले ही आपको गेट का जो अपना रजिस्ट्रेशन होगा, आईडी होगा, वही आपको पूछा जाएगा, वो वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले ध्यान रखना, खामखा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो ब्रांचेस यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर यहाँ पे वापस से मैकेनिकल की पोस्ट है, फिर यहाँ पे केमिकल है, पेट्रोलियम वापस से है, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की भी काफी सारी पोस्ट है, केमिस्ट्री की भी वापस से है। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे AC तो मैंने बोल दी, फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी वैकेंसी है, और यहाँ पे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे अगर बात करें तो अनरिजर्व वालों के लिए 389 पोस्ट है, और यहाँ पे अगर टोटल बात करें तो 785 वैकेंसीज है, टोटल SC ST सब मिला के 800 के करीब। अब वन बाय वन बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सीमेंटिंग में मैकेनिकल वालों की रिक्वायरमेंट है, फिर यहाँ पे सीमेंटिंग पेट्रोलियम में पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे वन बाय वन आपको थोड़ा थोड़ा तीन तीन रिक्वायरमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। फिर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ड्रिलिंग में, फिर ड्रिलिंग पेट्रोलियम में, फिर इलेक्ट्रिकल है, AEE नाम की पोस्ट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सब में ग्रेजुएट मांगा है, लेकिन सिवाय कुछ पोस्ट के, यानी कि अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन उसका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। और सारे के सारे ग्रेजुएशन में यहाँ पे 60% मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सब में ग्रेजुएट मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स में मांगा था, और उसके बाद यहाँ पे एक जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स है। अगर आप AEE रिजर्वर के लिए अप्लाई करते हो तो पोस्ट ग्रेजुएट सारे मांगे हुए, सिवाय कुछ, यानी कि सारे ग्रेजुएट केमिकल है, ग्रेजुएट पेट्रोलियम है तो चल जाएगा, वरना यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये सब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स। और यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री की बात, केमिस्ट की पोस्ट है उसमें यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री मांगा हुआ है।
और यहाँ पे जियोलॉजिस्ट में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी मांगा हुआ है, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे ग्रेजुएशन वाली भी बहुत सारी पोस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे अगर मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर है तो उसमें भी बहुत सारी पोस्ट है, सब में ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। अब इंजीनियरिंग की मोस्टली जितनी पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, लेकिन कुछ अगर बीएससी वगैरह पोस्ट है उसमें यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। अब प्रोग्रामिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे ग्रेजुएट मांगा हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर यहाँ पे अगर आपने एमसीए भी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 60% पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने एमई एमटेक भी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बी लेवल डिप्लोमा इज डिफाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स GOI, अगर ये क्या है मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, ये भी प्रोग्रामिंग ऑफिसर में है। फिर यहाँ पे AEE इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे भी प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। और इस तरह से कुल मिला के अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 389 पोस्ट है, और यहाँ पे EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे पोस्ट है 58, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 785। सो ये सारी बातें पोस्ट के बारे में हमने बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट यहाँ पे 30 है अनरिजर्व्ड और EWS वालों के लिए, और यहाँ पे एज लिमिट ड्रिलिंग एंड सीमेंटिंग अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे उन्होंने 28 बोला है, बाकी सब में 30 की एज लिमिट बोला है। और SAST वो सब में तो 5 साल 30 साल जो भी हर बार होता है वो आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पे गेट 2019 से अगर सिलेक्ट करते हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, तो गेट का जो स्कोर है उसका सिर्फ वेटेज 60% काउंट हो रहा है। तो हर बार क्या होता है 80% काउंट हो जाता है, इस बार 60% काउंट हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं 60 मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स होंगे गेट में उसका 60% काउंट होगा, बाकी का जो 40% होगा उसमें यहाँ पे 20% आपका एकेडमिक्स यानी क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और बाकी का 20% आप जो इंटरव्यू वहां पे दोगे पर्सनल इंटरव्यू उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दूसरा बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फी। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी नॉर्मल अनरिजर्व्ड फिर जनरल कैटेगरी एंड फिर OBC इन सब के लिए यहाँ पे बोला गया है 370 रुपीज, और SC ST PWD के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं कहा गया। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और वहाँ पे किस तरह से पूरी प्रोसेस करनी है ये तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी है। अब एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, यानी कि आज 5 अप्रैल है, एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और ये चलेंगे 25 अप्रैल तक। मतलब लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की होगी 25 अप्रैल, मतलब 20 दिन का आपके पास टाइम है सोचने के लिए अगर अप्लाई करना है नहीं करना। और यहाँ पे इंटरव्यू कब से शुरू होंगे, तो यहाँ पे 10 जून की टेंटेटिव डेट कही गई है जहाँ पे इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, मतलब जो भी सिलेक्ट होंगे उनको मैसेज आ जाएगा। अब इन्होंने कहा गया, अब ये लोकेशन कहाँ होगा, तो लोकेशन यानी कि ONGC यहाँ पे देहरादून है, तो मेरे हिसाब से लोकेशन भी वही होगा इंटरव्यू के लिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको वो रेल फेयर प्रोवाइड कर देंगे, जो भी रिजर्वेशन करवा के वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार आपका सिलेक्शन यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी, तो ये सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ONGC कंपनी है। सैलरी का डिस्कशन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें कहीं पर नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे सैलरी का हम अगर एस्टिमेट लगा है तो अगर यहाँ पे इवन लेवल का ऑफिसर है, मतलब यहाँ पे इवन लेवल पे वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो अच्छी होगी, मतलब और गेट के थ्रू है तो सिलेक्शन अगर हो गया तो सैलरी तो अच्छी मिलने वाली है, अलाउंस और ये सारी चीज़ें तो आएगी। एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे शुरू हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हर बार ये होता है ONGC अनाउंस कर देते हैं लेकिन एप्लीकेशन लिंक खुलती ही नहीं, कभी नहीं खुलती है, लास्ट टाइम 2 बार ऐसा हो चुका था, लेकिन इस बार हमने खुद ने वेरीफाई किया हुआ है, एप्लीकेशन लिंक वर्किंग है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां पे आपको पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से लिखा हुआ होगा, उसके बाद यहां पे बाकी आपको वहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाइंग लिंक डायरेक्ट वहीं पे मिल जाएगी। तो यहां पे फटाफट से इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई जरूर से कर देना, मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप अप्लाई कर रहे हो, आपको ONGC में अप्लाई करना है या नहीं करना है, बहुत सारी बातें होती है, जो भी आपको लगता है मुझे बताओ, अच्छा लगता है मुझे। और यहां पे वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।